हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, मनी एंड बैंकिंग, और उस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। इसमें हमें पढ़ना है सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मान लीजिए आपने अगर आज का वीडियो देख लिया तो आपके 2 से 3 मार्क्स फिक्स हो गए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान देंगे। पहला बेसिक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो है, नंबर 1, इन इंडिया करेंसी नोट्स आर इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो नोट होता है, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 का नोट, 100, 200 का नोट, वो नोट्स इश्यू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा देश का सेंट्रल बैंक। ठीक है, नंबर 2, और 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जहाँ तक 1 रुपये का सिक्के का बात है और कॉइन्स का बात है, 1 रुपये का नोट का बात है और जहाँ तक कॉइन्स का बात है, वो कौन इश्यू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मोस्ट पर्टिकुलरली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है 1 रुपये का नोट और कॉइन्स। ठीक है, नंबर 3rd पॉइंट, द बैलेंस इन सेविंग्स और करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक इन कमर्शियल बैंक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड मनी सिंस चेक्स ड्रॉन ऑन दीज अकाउंट्स आर यूज टू सेटल ट्रांजेक्शन। आपको पता है कि बैंक में हम लोग जनरली 2 टाइप का अकाउंट खोलते हैं, एक होता है सेविंग्स अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट, ज़्यादातर सेविंग्स अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पैसा जमा करते हैं वो पैसा भी हम लोग मनी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग उस पैसे पर क्या कर सकते हैं, चेक ड्रॉ कर सकते हैं और उस चेक से हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब तो हम लोग का जो डिपॉजिट हो गया वो भी क्या हो गया, एक टाइप का मनी हो गया। तो इस टाइप के डिपॉजिट को, मतलब सेविंग डिपॉजिट या फिर करेंट अकाउंट डिपॉजिट को, हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे डिपॉजिट जहाँ से हम लोग चेक ड्रॉ कर सकते हैं, सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स एज दे आर पेएबल बाय द बैंक ऑन डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। आप जब डिमांड कीजिएगा बैंक वाले को आपको देना होगा, तो इसलिए इस टाइप के डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट में आप चेक ड्रॉ कर सकते हैं और उससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसलिए जो डिमांड डिपॉजिट है उसको हम लोग मनी कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये 3rd पॉइंट है, क्लियर हुआ। फिर डिमांड डिपॉजिट रिलेटेड और भी 2-3 पॉइंट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक्स, और यहाँ पे एक वर्ड था कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या होता है इसको हम लोग, ठीक है, इसके बाद और एक उसके बाद वाला वीडियो में देखेंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है और इसका फंक्शन भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए जितने भी इंडिया में बैंक है, जैसे कि जिसमें हम लोग अकाउंट खोलते हैं, सेंट्रल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इलाहाबाद बैंक, HDFC बैंक, ठीक है, जो भी हो गया, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो सब बैंक को कमर्शियल बैंक बोलते हैं। 2 टाइप का बैंक होता है, कमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक। जो हेड होता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसमें हम लोग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, ये मेन बैंक हो गया और इसके अंडर में जो बैंक आते हैं उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, ये पब्लिक डीलिंग करता है। तो डिमांड डिपॉजिट जो है वो होता है डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक, यहाँ पे बैंक मतलब कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक में जितने भी पब्लिक लोग डिपॉजिट करते हैं वो पैसा, प्लस इंटर बैंक डिपॉजिट। इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट्स विच अ कमर्शियल बैंक होल्ड्स इन अदर कमर्शियल बैंक। ठीक है, एक कमर्शियल बैंक है उसमें तो और भी बाकी सारे बैंक भी तो उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो उस डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट। तो पब्लिक का डिपॉजिट प्लस इंटर बैंक डिपॉजिट दोनों मिला के होता है डिमांड डिपॉजिट। अगर डिमांड डिपॉजिट में आप इंटर बैंक डिपॉजिट को कंसीडर ना करें, सिर्फ पब्लिक का डिपॉजिट को कंसीडर करें, तो वो डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा, नेट डिमांड डिपॉजिट। तो ये वर्ड याद रखिएगा, नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? सिर्फ डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक, बैंक मतलब कमर्शियल बैंक। ठीक है, इंटर बैंक डिपॉजिट यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंक डिपॉजिट इज नॉट कंसीडर। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिए, आते हैं अगले में। 4th बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए वो है ये, अदर डिपॉजिट एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट हैव अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ मेच्योरिटी एंड आर रेफर टू एज टाइम डिपॉजिट। एक टाइप का होता है फिक्स डिपॉजिट, आपको पता है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है, इसमें एक टाइम पीरियड होता है 5 साल 10 साल के लिए आप फिक्स करते हैं पैसा, फिर ज़्यादा रिटर्न मिलता है आपको। तो इस टाइप के डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, या फिर इसको हम लोग टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट एक ही बात है। ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया? टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। ठीक है, पीछे से बैंक लिखा हुआ था, यहाँ पे कमर्शियल बैंक लिखा हुआ है, मतलब एक ही है। ठीक है, तो पब्लिक द्वारा टाइम डिपॉजिट प्लस इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट दोनों मिला के होता है टाइम डिपॉजिट। इंटर बैंक का मतलब पता है, मतलब दूसरे कमर्शियल बैंक एक कमर्शियल बैंक में टाइम डिपॉजिट करते हैं, तो दोनों मिलके होता है टाइम डिपॉजिट। और यहाँ पर भी अगर नेट टाइम डिपॉजिट निकालना है तो इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट आप हटा दीजिए, सिर्फ टर्म डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। टर्म डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट सब एक ही चीज़ है, इंटरचेंज आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेट टाइम डिपॉजिट जो होता है वो होता है टर्म डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, यहाँ पे हम लोग इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट नहीं कंसिडर करते हैं। तो ये भी क्लियर होगा, नेट टाइम डिपॉजिट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में।
अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, लिखा हुआ है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू लाइक अ गोल्ड और सिल्वर कॉइन। हमारा जो कॉइन्स और नोट्स है ठीक है, उसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता है जैसे कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन का होता है, ठीक है, यही पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर 6, द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड लीगल टेंडर्स। उनको लीगल टेंडर्स बोलते हैं क्योंकि दे कैनॉट बी रिफ्यूज बाई एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। करेंसी नोट और कॉइन्स को कोई लेने से मना नहीं कर सकता है, इसलिए उसको लीगल टेंडर्स बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 7, जो चेक हम लोग ड्रॉ करते हैं ऑन सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, वो कैन बी रिफ्यूज्ड बाय एनीवन, कोई चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है चेक्स को, ठीक है। हेंस डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर्स, इसलिए डिमांड डिपॉजिट को लीगल टेंडर्स नहीं बोलते हैं, जबकि करेंसी नोट्स और कॉइन्स को लीगल टेंडर्स बोलते हैं क्योंकि इसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है, लेकिन चेक्स को रिफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको लीगल टेंडर्स नहीं बोलते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो ये था कुछ बेसिक्स 7 पॉइंट का। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि है मनी सप्लाई होता क्या है। तो सप्लाई ऑफ मनी का डेफिनेशन, सबसे पहले तो मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक वेरिएबल है। स्टॉक और फ्लो क्या होता है पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक कंट्री के लोगों के पास कितना पैसा है, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। इजी डेफिनेशन है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, ठीक है। तो द मनी सप्लाई इन इंडियन इकोनॉमी इज जनरली मेजर्ड इन फॉलोइंग फॉर्म्स। अलग अलग टाइप से हम लोग मनी सप्लाई को मेजर करते हैं, चार वे है मेजर करने का, M1, M2, M3, M4। तो सबसे पहले देखते हैं M1 क्या होता है। M1 का मतलब होता है, M1 तीन चीज़ मिलके बनता है। पहला चीज़ है करेंसी, मतलब नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, पब्लिक के पास जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स है वो, प्लस ध्यान रखिएगा पब्लिक के पास, हाँ, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक, हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है समझा चुके हैं, तो करेंसी प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक में जमा होता है, प्लस नेट का मतलब क्या है कि इंटर बैंक डिपॉजिट यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है, और प्लस अदर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय RBI, RBI में अलग अलग डिपॉजिट जो होता है वो। अलग अलग डिपॉजिट क्या क्या हो सकता है, मतलब डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ नबार्ड विथ RBI। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक छोड़ के, हाँ, जैसे कि नबार्ड हो गया, और भी बहुत सारा होता है, तो उन लोग का डिमांड डिपॉजिट RBI में, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, RBI, वैसे ही हर देश का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, और फॉरेन गवर्नमेंट, इन लोग जो डिमांड डिपॉजिट करते हैं RBI में वो वाला, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक विथ RBI। तो इन लोग ने कितना डिमांड डिपॉजिट किया RBI में, फिर फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट ने कितना डिपॉजिट किया है RBI में, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कितना डिमांड डिपॉजिट किया है RBI में, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं अदर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय RBI। तो इतना आपको याद नहीं करना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ M1, तो आपको लिखना है करेंसी विद पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। जनरली ये दो को हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन मार्क्स अगर ज़्यादा है तो आप ये भी लिख सकते हैं अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI, ठीक है। ये आप नहीं याद करने से भी चलेगा ये वाला, फिर भी समझ के रख दीजिए। तो ये था पहला कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार CBSE 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ M1, सिर्फ दो ही कंपोनेंट पूछा गया था, तो आपको ये लिखना था और ये लिखना था, ठीक है। अब आते हैं M2 पे। M2 का मतलब होता है M1, ये सारे चीज तो लेंगे ही, M1 के सारे टर्म्स, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट होता है वो वाला भी अगर कंसिडर कर लेंगे तो आपका कहलाएगा M2। तो ये सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं M3 पे। M3 में क्या क्या होता है, M3 का मतलब होता है M1, M1 में जो था सब ले लीजिए, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट क्या होता है समझ चुके हम लोग, अगर इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे तो वो M3 कहलाएगा। और लास्ट जो है M4, वो होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपॉजिट है उन सबको लेके, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक टाइप का बॉन्ड होता है जो पब्लिक खरीदते हैं, हम आप भी खरीद सकते हैं, मतलब एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होगा वो, और उस बॉन्ड को आप देके कुछ लोन ले सकते हैं, मतलब एज अ कोलेटरल यूज़ कर सकते हैं इस बॉन्ड को। तो इस वाले को छोड़ के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के, जितने भी डिपॉजिट होते हैं पोस्ट ऑफिस में वो सब डिपॉजिट प्लस M3, मतलब ये वाला, ठीक है, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो वो M4 कहलाएगा। तो ये था टोटल M1, M2, M3, M4। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है M1 में, और M1 में भी अगर आपको इतना याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप सिर्फ ये दो तो जरूर याद करके जाएं, ठीक है। और M2 तो ईजी है, ये याद हो जाएगा आपको, और ये नहीं याद करने से चलेगा, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ समझ के छोड़ दीजिए।
और एम थ्री भी ईजी है, एम फोर भी ईजी है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास टाइम का कमी है, आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ एम वन जरूर याद करके जाए, ठीक है। और कुछ बेसिक बेसिक बात जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला पॉइंट है ये, एम वन एंड एम टू आर नोन एज नैरो मनी, इसको नैरो मनी बोलते हैं एम वन एम टू को, और एम थ्री एम फोर को ब्रॉड मनी बोलते हैं। एक मास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जहाँ तक लिक्विडिटी का बात है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कितना ईजिली कोई चीज़ को हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना इजीली कन्वर्ट हो जाएगा उतना ही हम लोग बोलेंगे वो ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है। ऐसे तो जो आपका पास नोट है या फिर कॉइन्स है वो तो ऑलरेडी कैश में ही है, तो करेंसी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट लिक्विड एसेट, ठीक है। तो M1 और M4 जो है, सॉरी M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड है और M4 जो है वो सबसे कम लिक्विड है, यह याद रखिएगा आप। और जो M3 है सबसे मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इसको ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं M3 वाले को, ठीक है। तो इतना कुछ बेसिक्स बात है, तो इतना ही है फिर मनी सप्लाई के ऊपर। एक बार रिकैप करते हैं कि आपको यहाँ से याद क्या क्या करके जाना है एग्जाम में। सबसे पहला बात आपको जो याद होना चाहिए कि नोट्स कौन इश्यू करता है और कॉइन्स और एक रुपये का नोट कौन इश्यू करता है, वो पता होना चाहिए। फिर ये सिर्फ समझना था, यहाँ से आपको कुछ याद नहीं करना है। नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब याद रखिएगा सिर्फ, इसमें हम लोग इंटर बैंक डिपॉजिट कंसिडर नहीं करते हैं। सिमिलरली नेट टाइम डिपॉजिट का भी वही कहानी था, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि करेंसी नोट्स और कॉइन्स को लीगल टेंडर्स बोलते हैं, ठीक है, और जहाँ तक डिमांड डिपॉजिट है उसको लीगल टेंडर कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी का डेफिनेशन, ये आपको करना है याद। उसके बाद मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, उतना सारा चीज़ याद नहीं होता है तो सिर्फ आप M1 का ये दो जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा M2 क्या होता है और M3 और M4। अगर M1, M2, M3, M4 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है M1, ये जरूर याद करके जाए। M1 का भी पहला दो कंपोनेंट, और M1, M2 को नैरो मनी, M3, M4 को ब्रॉड मनी, M1 मोस्ट लिक्विड, M4 लेस्ट लिक्विड, और M3 जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो 6 से 7 मिनट में हमने दो तीन मास के लिए पढ़ाई कर लिया है, और इस पूरे जो आज हमने पढ़ा उस क्लास का पीडीएफ जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। बस इतना ही है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई पावर्ड मनी, तो इतने ही रोकते हैं आज के क्लास को। और भी आप इंडियन इकोनॉमी का सारा चैप्टर्स पढ़ चुके हैं हम लोग, आप वहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का और भी सब टॉपिक्स आप चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।